हेलो दोस्तों, आज मैं आपको TSS और वेस्टेज के बारे में बताऊंगा कि ये दोनों मिलके किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, TSS का मतलब है टीम सोनू शर्मा, ठीक है, और वेस्टेज का मतलब है वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग। TSS आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन, लीडरशिप प्रोवाइड करा रही है, और वेस्टेज आपको वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे रही है जिसे आपका रेवेन्यू बनता है, इनकम बनता है। ये आपको वेस्टेज बिजनेस प्लान नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है जिससे आपको इनकम बनती है, और TSS आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। अब ये दोनों मिलकर कैसे वर्क कर रही है? आपने अपनी एक सोशल डिजिटल प्रोफाइल बनाई। क्या बनाई? सोशल डिजिटल प्रोफाइल। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जूम ऐप है, यूट्यूब है, तो इन सब का, इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया, आपने सिंपली अपनी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई, उस डिजिटल प्रोफाइल का आपने यूज़ किया अपनी ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, अब जब लोग बाग अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट और कॉन्टेक्ट करते हैं इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का और डिजिटल प्रोफाइल का यूज़ करके। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है मेनली कि आपने अपनी सोशल डिजिटल प्रोफाइल बनाई, उस सोशल डिजिटल प्रोफाइल के कारण लोगों ने आपको देखा। अब उन सोशल डिजिटल प्रोफाइल्स पे आपने जैसे विनिंग्स डाल रखी है, टेस्टिमोनियल्स डाल रखे हैं, लोग जो सक्सेस हो गए उनके बारे में डाल रखा है, तो वहाँ से लोग वहाँ जब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब वेस्टेज के ऊपर चलते हैं। वेस्टेज आपको कितने टाइप की इनकम दे रही है? 9 टाइप की। ठीक है, 9 तरह की इनकम दे रही है आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट है, जिसमें आप वेस्टेज से जो प्रोडक्ट लेते हैं वो आपको DP प्राइस पे मिलते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, तो वहाँ से आपको 10-20% का रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस में आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग 5-11% सेल पे मिल जाता है, और उसके बाद डिफरेंशियल बोनस अलग मिल जाता है आपके नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, पर जैसे जैसे आप कंपनी में अपना नेटवर्क बढ़ाते जाते हो और अपनी एक इमेज को, अपने प्रोफाइल को इंक्रीज़ करते जाते हो, तो उसके बाद आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो। ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे आप बनते ही आपको 4% कंपनी के टर्नओवर से आपको इनकम आने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस बिल्डिंग बोनस है जो 14% मिलता है। लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस मिलता है 16%। कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड, इलाइट क्लब, अब ये सब इनकम आपको बारी बारी से मिलती है जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है। तो उसके लिए आप अलग से एक सेपरेट वीडियो दे सकते हैं जिसमें वेस्टेज के अलग अलग डायरेक्टर लेवल होते हैं और अलग अलग डायरेक्टर लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग इनकम बनती जाती है। ठीक है, थैंक यू, इतना समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड है, इसमें क्या लिख रखा है कि आप जैसे वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो तो उसमें क्या बेनिफिट है। ठीक है, आप जैसे बिग बाज़ार जाते हो, डीमार्ट जाते हो, रिलायंस में जाते हो, तो वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स लेते हो तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ जैसे पॉइंट मिलते हैं, फिर आप उन पॉइंट्स को रिडीम करा लेते हो। सेम काम यहाँ पे है कि आपने वेस्टेज से अपने लिए प्रोडक्ट मंगवाए। ठीक है, आपने जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, वो ज़रूरत के हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करा, तो उन प्रोडक्ट्स के बदले आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल गए। डिस्काउंट तो मिलेगा ही, पर आपको वहाँ पॉइंट्स मिल गए। जब वे पॉइंट्स के कारण आपको वो, मतलब कंपनी में लेवल इंक्रीज़ होता है, तो उन पॉइंट्स के कारण आपकी इनकम बनती जाती है। एक होता है मंथली बेसिस पे और एक होता है एक्यूमुलेट, जब से आपने ज्वाइनिंग किया है जब से। मंथली बेसिस से आपका इनकम बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, और जो आपके जब से ज्वाइनिंग करी है तब से आपके पॉइंट जुड़ते हुए जा रहे हैं, तो उससे आपका लेवल इंक्रीज़ होगा, लेवल बढ़ेगा। वो एक्यूमुलेट आपके यूज़ किया जाता है किसके लिए? लेवल के लिए। और जो मंथली वाला PV होता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए। ठीक है, अब क्या किया हमने कि जैसे ये पुराना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन किया, इस डायरेक्ट में ये बता रखा है कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट होता है, वो मैन्युफैक्चर होता है,
उसके बाद वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर एडवर्टाइज में आता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। तो इस प्रोसेस के कारण क्या है कि प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, महंगा होता जाता है। और इसमें जो मार्जिन है वो मार्जिन बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेल नेटवर्क होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है, जो जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो आपकी वेस्टेज कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसे डायरेक्ट आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। इससे आपको ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है और आपकी इनकम बनती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें करना क्या है, आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको अपने लिए प्रोडक्ट मंगवाना है, एटलीस्ट 30 पीवी के प्रोडक्ट मंगवाने हैं, ठीक है। 30 पीवी मतलब एक पीवी का मतलब हो गया 30 रुपये। 30 पीवी में आपके 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये, 1100-1200 रुपये तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, पर जैसे आपकी आईडी रेड होती है तो रेड से उसको ग्रीन करने के लिए, मतलब उसको वैलिड करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ कंपनी से शॉपिंग करनी पड़ती है। अब उसके बाद में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया, आपको अच्छे लगे, उसके बाद में आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को शेयर किया, ठीक है। अब यही अपॉर्चुनिटी और यही सिस्टम आपने अपने धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते गया। जैसे कि जेओ मूवी में वो बताता है कि 3 की हेल्प करनी है, फिर वो 3 अगले 3 की हेल्प करेंगे, फिर वो 3 अगले 3 की हेल्प करेंगे। तो इसी तरह आपको अपना नेटवर्क बनाना है, और जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया वो अपना नेटवर्क बनाएंगे, फिर जो आए फिर उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है जो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पे है, और उससे आपका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी बड़ी आपकी इनकम बनती है। अब देखो, जैसे मैकडोनल्ड है, अमेजोन है, उबर है, KFC वाला है, तो इन्होंने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, ठीक है। इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये खुद माल सेल नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी अलॉट कर दी, ठीक है, कि आप हमारी फ्रेंचाइजी यूज़ कीजिए। मैकडोनल्ड की अपनी फ्रेंचाइजी अलॉट कर गई है, KFC ने अपनी फ्रेंचाइजी अलॉट कर गई है, अमेजोन ने अपना पूरा नेटवर्क फैला रखा है कि आप मेरे सिस्टम को यूज़ कीजिए, आपको जो भी सामान चाहिए ऑनलाइन वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और उबर ने कुछ भी नहीं किया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है कि आप ओनली रिक्वेस्ट दीजिए कि आपको गाड़ी कहाँ चाहिए, बाकी गाड़ी की व्यवस्था हम करवा के देंगे, और जिस कंज्यूमर के पास जानी वो बनाएगी। अब जैसे उबर वाला है, वो अपनी टैक्सी खुद नहीं चलाता, वो ओनली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जिस पे आपको अगर टैक्सी की, अगर कैब की ज़रूरत है तो वो आपको अवेलेबल करा देता है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना नेटवर्क फैलाया, सबसे पहले जितना बड़ा इनका नेटवर्क है उतनी इनकी बड़ी नेटवर्थ है। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड ने अपनी पूरे वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी बना रखी है, वो अपने जो एक सिस्टम होता है उस सिस्टम को अपने फ्रेंचाइजियों को अलॉट करता है, और फ्रेंचाइजी वाला जब इनकम करता है तो उसको उसका रॉयल्टी मिलता है। KFC ने भी सेम मैकडोनल्ड की तरह अपना फ्रेंचाइजी सिस्टम कर रखा है, अमेजोन ने अपना नेटवर्क फैला रखा है जिसे उसके प्लेटफॉर्म्स का जो भी जैसे यूज़ करता है, वो जो भी सामान ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसके थ्रू उनकी प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है वो अपने, और अपने रॉयल्टी इनकम की तरह रॉयल्टी कमाता है, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये देखो, 4 कैटेगरीज होती है, इन 4 कैटेगरीज में एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है बिजनेसमैन। तो जैसे एम्प्लॉय होता है, उस एम्प्लॉय के पास है ना टाइम और मनी दोनों नहीं होते, वो काम कर रहा है, जितनी देर उसको काम कर रहा है, मतलब जितना वो टाइम काम कर रहा है उतनी उसकी इनकम बनेगी। तो एम्प्लॉय नॉर्मली क्या है कि अपने बॉस के लिए काम करता है, खुद के लिए काम नहीं करता, तो वो अपने बॉस को अमीर बना रहा है, ना कि खुद को, ठीक है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है कि आपने अपना खुद का एक बिजनेस ओपन कर लिया, छोटी सी शॉप वगैरह, या फिर आपने कोई सेल्फ एम्प्लॉयड, आप ऑनलाइन डिजिटली वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मनी भी आ जाता है, टाइम भी आ जाता है, पर होता क्या है कि जैसे जितनी देर आपने काम किया उतना आपको पैसा आया, ठीक है। पर इसमें क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयड में कि वो अपना खुद का बॉस है, ठीक है। अब वो जितनी देर काम कर रहा है उतना ही उसका पैसा बनेगा, खुद के लिए बनेगा,
अब इस कैटेगरी से आप जाते हो बिजनेस कैटेगरी पे। सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन माना जाता है जिसमें आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, लोगों को हायर कर लिया, आप लोगों को रोज़गार दे रहे हो कि वो आपके लिए काम करते हैं, तो आप उनको इनकम देते हो और वो उनकी काम से जो माल रेडी होता है उस माल को सेल करते हो या फिर कुछ भी करते हो, एक सिस्टम बना देते हो जिससे उसके प्रॉफिट से आपकी इनकम बनती है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका बेनिफिट ये है कि सिस्टम बनाने से आप एक फ्री हो जाते हो जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हो, तो उसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अपना काम करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई एक हेड मैनेजर बना दिया तो उनको संभाल लेता है, बस आपको पेमेंट करना ऊपर से देखता है बस। और इन्वेस्टर तो होता ही है जिसमें मनी वर्क्स फॉर यू है कि इन्वेस्टर अपने साइलेंट पार्टनर की तरह इनकम को इन्वेस्ट करता है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है, लैंड में मतलब ज़मीन में कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो उसको वहाँ से इनकम आती है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से उसको इनकम आ रही है। तो ओवरऑल फैक्ट एंड फिगर ये है कि 95% पॉपुलेशन के पास इस दुनिया की 5% वेल्थ है, जबकि पूरी 95% वेल्थ ओनली 5% पीपल्स के पास है। ठीक है, तो जैसे जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है वो उतना ही अमीर इसलिए बनता जाता है क्योंकि उसने रोज़गार प्रोवाइड कर रखा है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो वो तो अमीर बनता ही है, औरों को रोज़गार प्रोवाइड करा रहा है तो वो बस ओनली उनके लिए एम्प्लॉय है, अपने बॉस के लिए काम कर रहा है और वो जितनी देर काम करते हैं उतनी उनकी इनकम बनती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये आपको बता ही दिया मैंने कि जैसे TSR और वेस्टिज मिलके काम कर रहे हैं, डिजिटली काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यह है कुछ प्रोडक्ट रेंज। इस प्रोडक्ट रेंज में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वेस्टिज के। इसमें देखिए फूड सप्लीमेंट्स है, आयुष अंत के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, ट्रू मेंस के अपने मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, हाई वेस्ट है तो हाई वेस्ट आपके जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं जो आपके घर में यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके लिए सर्फ हो गया कपड़े धोने के लिए, फर्श क्लीन के लिए आपका डिटर्जेंट हो गया, उसके बाद में डिश वॉश हो गया जिससे आपके बर्तन साफ होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के जो आपके जो क्लीनिंग से रिलेटेड है वो हाई वेस्ट रहता है। ओरल केयर में क्या है कि ओरल केयर में आपके जो माउथ क्लीनिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो आ जाते हैं। पर्सनल केयर में आपके फेस वॉश, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स सब कुछ आ जाता है। वेट मैनेजमेंट में प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाते हैं। हेल्थ फूड में आपके खाने पीने के सामान आ जाते हैं। एग्री प्रोडक्ट्स में आपके किसानों के लिए जो एग्री प्रोडक्ट्स है वो आ जाते हैं। फिर इसके बाद में ये वाटर पिचर है जो एक जार होता है जो आपके डायरेक्ट पानी को फिल्टर करके देता है। फिर स्किन फॉर्मूला है लेडीज़ के लिए, मिश्रेल ऑफ लेन है लेडीज़ के लिए जिसमें इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद में वाटर प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर है और कार प्योरीफायर है। तो अभी पेंडेमिक में लोगों को शुद्ध पानी भी चाहिए, शुद्ध हवा भी चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है अभी वेस्टिज के। ठीक है, और इनसे आपका लेवल भी फास्ट अचीव हो जाता है, आप यहाँ वेस्टिज में फास्ट क्राउन डायरेक्टर बन जाते हो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। मैं देखो लिख क्या रखा है कि 1% क्लब हेल्प करता है आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके और फ़ोन और लैपटॉप का यूज़ करके घर से कहीं से भी आप अपने लिए इनकम अर्निंग बना सकते हो। तो हम जिस ग्रुप से ऐड है, हम जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं, जिस टीम में काम कर रहे हैं, वो 1% क्लब TSS है। तो यहाँ से आप ये सीधा सीधा पढ़ सकते हो कि 1% क्लब हेल्प पीपल टू अर्न मनी होम थ्रू सोशल मीडिया बाय यूजिंग फ़ोन लैपटॉप अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन एनीवेयर। ठीक है, तो आपको 1% क्लब ये सिखाता है कि आपको घर बैठे किस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अर्निंग करनी है। उसके बाद देखो एक जो आदमी है वो पहले कभी पेंटर का काम करता था तो वो सक्सेस हो चुका है वेस्टिज में, तो उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है मैंने आपको। मात्र उसने 3 साल एफर्ट डाला है, मेहनत करी है और आज वो 45,000 रुपये लगभग महीने का उठाता है वेस्टिज से और उसने अपनी खुद की कार भी ली है। तो ये इसलिए आपको शेयर किया है क्योंकि ये एक बहुत मिडिल क्लास, बहुत लोअर क्लास से इतना ऊपर आए हैं, तो इनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। US ऐप है वेस्टिज के, 2 एप्लीकेशन है जहाँ से आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, रिपर्चेज कर सकते हो, अपने लिए डाउनलाइन को नेटवर्क को देख सकते हो, डाउनलाइन से आप अपने लिए ग्रुप PVs देख सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनती है जो आप एक जब ज्वाइनिंग कर लेते हो वेस्टिज में, तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन जाती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, आशा है आप अच्छे से काम करोगे। और TSS और वेस्टिज मिल के काम कर रहे हैं, TSS एक टीम है और वेस्टिज आपका बिजनेस प्लान है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। आपको समझ में आया होगा।